गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के 6:05 हो रहे थे, शिफ्ट वर्क करके भी जस्ट जाग रहे थे, तो मैंने सोचा आपको सुबह सुबह का मौसम दिखा देते हैं। एक्चुअली भी रात में बारिश हुआ था शायद, क्योंकि जो रोड है ना पूरा एकदम गीला हुआ है। अभी निकल रहे हैं और ये देख रहे हैं पूरा एकदम कोहरा छाया हुआ है ऐसा लग रहा है। तो बस ऐसे ही है, पूरा रोड एकदम गीला है, लग रहा है बारिश हुआ है रात में। बाकी मौसम आसपास कैसा है, निकलते हैं और रेडी होते हैं और सुबह सुबह निकलेंगे बैडमिंटन के लिए। सुबह सुबह खेल लेना सही रहता है, जैसा कि पहले भी कई बार बोल चुका हूँ। तो सुबह सुबह स्नान वगैरह कर लेते हैं एंड कुछ हल्का फुल्का पेट पूजा कर लेते हैं। एक्चुअली रात में भूख लग रहा था बट मैं कुछ था नहीं खाने के लिए, कुछ खाया नहीं। रूम पे चलते हैं, कुछ खाते हैं। फाइनली गाइस रूम के अंदर पहुँच चुके हैं और पानी वगैरह भरते हैं थोड़ा सा, उसके बाद नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, उसके बाद निकलेंगे खेलने के लिए। बट थोड़ा हल्का फुल्का कुछ हल्का सा कुछ खा के निकलेंगे ताकि थोड़ा सा एनर्जी रहे। और गैस अगर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मौसम तो आज लग रहा है ख़राब रहने वाला है, क्योंकि मौसम बदरी टाइप का लग रहा है। सो गैस रेडी हो चुके हैं स्नान वगैरह करके, बट मैसेज आया नहीं अभी तक किसी का खेलने के लिए। फिलहाल मैंने अपना जो थोड़ा सा खाने की बात कर रहा था मैंने रेडी कर लिया है हल्का फुल्का। तो मैंने ये ओट्स था और इसमें थोड़ा सा मिल्क डाल लिया, यही रेडी है, इसी को खा के निकलते हैं। तो मैसेज आएगा किसी का तो तभी जा सकते हैं, क्योंकि कम से कम 4-5 लोग होंगे तभी थोड़ा सा सही रहता है सुबह सुबह। बाकी देखते हैं, अगर मैसेज आएगा तो निकलेंगे वरना रेस्ट ही करेंगे। बाकी मिलते हैं आपसे, जाएंगे तो डायरेक्ट पोर्ट पर मिलते हैं। सो गाइस फाइनली बातचीत हो गई आपस में, जा रहे हैं 4-5 लोग जा रहे हैं, बट उससे पहले डस्टबिन में कूड़ा डाल देते हैं रात वाला। सो 7:10 हो गया बट अभी तक धूप नहीं हुआ है, आज ऐसे ही रहने वाला है दिन भर, अभी तक तो कुछ क्लियर नहीं हुआ। सो जी कोर्ट पे पहुंच चुके हैं फिलहाल, तो अभी अकेले हैं, 2-3 लोग आ रहे हैं। सुबह में ही प्रॉब्लम होता है कि लोग आते आते थोड़ा लेट हो ही जाता है। फिलहाल तो अभी 7:20 हो चुके हैं। फाइनली गाइस आज का मैच खत्म 8:48 और काफ़ी आज गर्मी हो रहा है, आज धूप नहीं निकला उसके बाद भी पसीने पसीने। फाइनली गाइस रूम के अंदर आ चुके हैं, चलते हैं हाथ मुंह धुलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। तो गाइस अभी दोपहर के बज चुके हैं 3 और थोड़ी देर पहले मैं सो के उठा हूँ, क्योंकि बैडमिंटन खेल के आने के बाद मैं सो गया था। करीब आराम से ठीक ठाक सो गया मैं, नींद पूरी हुई लगभग। और बाहर बारिश होने लगा है जैसा कि लग रहा था सुबह से, तो वैसे ही हो रहा है। और अभी लंच बनाना है, क्योंकि सुबह नाश्ता वगैरह कुछ किया नहीं, जो ओट्स खाया था उसके बाद से कुछ खाया नहीं है। तो उसके लिए मैं आज प्याज वाली रोटी बना रहा हूँ, तो बस आटा वगैरह सान दिया है, बस उसको बनाना है। तो एक बार आपको बाहर का मौसम दिखाते हैं। तो ऐसी बूंदाबांदी हो रही है और ये ऐसा कुछ मौसम है, अभी हवा चल रहा है, बादल लगे हुए हैं, आई थिंक ऐसे ही रहेगा आज। तो फिलहाल चलते हैं रोटी बना लेते हैं, उसके बाद कुछ आगे कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रहा है, 3 बज गया सुबह से। मिलते हैं रोटी बनने के बाद। फाइनली गाइस रेडी कर लिया है चपाती। तो गाइस यही है अपना प्याज वाला रोटी, तो प्याज वाला रोटी रेडी है, साथ में कुछ मिर्चा वगैरह ले लेते हैं, मिक्स अचार वगैरह। तो चलते हैं ये खाते हैं प्याज वाली रोटी, काफ़ी लंबे समय बाद बनाया मैंने इसको, और बस क्योंकि जल्दी में बनाना था, भूख लग रहा था इसलिए मैंने इसको बना लिया है। और शाम को निकलेंगे, थोड़ा आज पूजा वगैरह है तो वही देखने के लिए निकलेंगे, गणेश पूजा। तो बने रहिए ब्लॉग में, पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। हे गाइस शाम के 6:15 हो चुके हैं, निकल रहे हैं, गणेश पूजा यहीं पास में हो रहा है, आज गणेश चतुर्थी है, तो आपको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलते हैं यहीं पास में पूजा हो रहा है, वहाँ देख के आएंगे और उसके बाद थोड़ा घूमेंगे, यहीं आसपास हो रहा है, 2-4 जगह हो रहा है, तो जहाँ तक पॉसिबल होगा वहाँ तक जाएंगे घूमने के लिए। निकलते हैं बाहर तो मिलते हैं। गाइस बाहर आ चुके हैं और म्यूजिक संध्या को पता चल गया होगा, पंडाल के पास पहुंच चुके हैं, रोड के चारों तरफ इसी तरह से सजा हुआ है। मुख्य द्वार से महाभूत का
और फिलहाल तो अभी लेजर शो चल रहा है। क्या गजब लग रहा है। बहुत ज्यादा भीड़ है तो यहाँ पे देखने के लिए बहुत चीज है, भीड़ बहुत ज्यादा है। चलते हैं थोड़ा अंदर दर्शन करते हैं। दर्शन करने के लिए आज 7 बजे महाआरती चालू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी प्रसाद मिलेगा भोग लगने के बाद। तो गाइस दर्शन हो गया, वहाँ पे काफी साउंड आ रहा था, कुछ आवाज रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रहा था। दर्शन कर लिए हैं और 6 सितंबर तक रहेगा, आप भी आके दर्शन कर सकते हैं। सेक्टर 4 तिरुपति ज्वेलर्स है, सब्जी मार्केट के पास, वहीं पे और पास में ही है एलआईसी मोड, वहाँ पे चलते हैं। वहाँ पे भी पंडाल वगैरह बना था, पूजा वहाँ भी हो रहा है। 7 बजे से आरती होगा, उसके बाद प्रसाद भोग जो बन रहा था उसका वितरण होगा। अभी चल रहे हैं एलआईसी मोड के पास और ये तो पूरा रोड सजाया गया है इसी तरह कलरफुल लाइटों से। और इससे पहले मैं जहाँ से आ रहा हूँ वो तिरुपति बालाजी की प्रतिरूप गणेश जी की मूर्ति थी, उन्हीं की तिरुपति बालाजी के प्रारूप के रूप में वो जो आपने प्रतिमा देखा। तो गाइस पहुँच चुके हैं मजदूर मैदान। क्या पंडाल बनाया यार, शानदार। मजदूर मैदान आ चुके हैं एलआईसी मोड, पहले चलते हैं दर्शन करेंगे, उसके बाद आसपास थोड़ा घूमेंगे। तो बहुत ही सुंदर बना है भाई। बाबा का बापा का महा आरती शुरू होने वाला है। गाइस दर्शन हो चुका है बप्पा और 6 सितंबर तक चलेगा। दोनों जगह आप आके दर्शन कर सकते हैं, सेक्टर 4 में ही है आसपास दोनों, एक एलआईसी मोड के पास है और एक त्रिमूर्ति ज्वेलर्स के पास है। मेला घूम लेते हैं, बट अभी थोड़ा पूरी तरह स्टार्ट नहीं हुआ है, ये झूला वगैरह अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, आई थिंक कल से स्टार्ट हो जाएगा। गाइस मनोरंजन के लिए बहुत कुछ आया है, ब्रेक डांस वगैरह आया है बट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। और इधर मौत का कुआ भी आया इस बार, मुझे लगता है लंबा प्लानिंग है इसका, ये छोटे बच्चों के लिए। तो गाइस लगता है यहाँ पे प्लानिंग काफी लंबा है मेले का, क्योंकि बहुत सारा झूला वगैरह आया है और मौत का कुआ भी है इधर। जितने भी बड़े से बड़े झूले हैं आई थिंक इस बार मजदूर मैदान में लंबा मेला लगने वाला है। तो इन्फॉर्मेशन मुझे जल्दी मिल गई है, तो आप भी आके यहाँ पे आसपास रहते हैं तो आनंद उठा सकते हैं। और गाइस इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। थोड़ा देर यहाँ पे रहते हैं, बाकी अपना आज का गणेश जी का दर्शन, पापा का दर्शन अच्छा हो गया। फाइनली गाइस रूम के अंदर आ चुके हैं, होप आपको इस ब्लॉग में थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा, तो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा लाइक कीजिए, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इंस्टाग्राम का, फॉलो कर सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट के लिए। सो गाइस इस ब्लॉग में इतना ही, कल एक नए ब्लॉग में मिलते हैं। अब तो मेला चलता रहेगा 1 हफ्ता और जो मजदूर मैदान में लगाया वो शायद 15 दिन भी चल सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा
आयोजन हो रहा है, झूले वगैरह लग रहा है, तो 15 दिन आई थिंक चलेगा ही। तो गाइस मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग। गणपति बप्पा मोरिया।